राजू जी शेखावत साहब, सम्मानीय विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, राजेश जी धाकड़ साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, भाई अशोक मालवीय जी अध्यक्ष नगरपालिका, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई सीएम अतुल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती विमला जी चौहान साहब, एल्डरमैन भाई राजेश गगरानी जी, चार के सूरज भाटी जी, पांच के हरि बोरा कोयत, छह के सब जो भी सारे लोग इस तरह से फर्स्ट जोन सबसे पहले चलेगा, जोन के आगे इन सब का नेतृत्व तो करेंगे जो हमारा की जो होती है वो चलेगी, उसके पश्चात हमारे अतिक्रमण टीम, उसके पश्चात हमारे ऑफिस का स्टाफ और सारे जनप्रतिनिधि, और उसके लास्ट में हमारे सारे वाहन चलेंगे। यह प्रक्रिया होगी सब, हमारे ऑफिस का स्टाफ भी सब लोग साथ में चलेंगे, जनप्रतिनिधि सारे साथ में चलेंगे, उसके पीछे गाड़ियां चलेगी। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत वंदन और अभिनंदन करने के लिए आतुर है। आज की स्वागत रैली के और सम्मान के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के कहीं ना कहीं हमें दिख जाते हैं, और उनका यही इसने हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। ऐसे हमारे अपने विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब मंच पर विराजित है, असंगठित कामगार बोर्ड के अध्यक्ष। बताना चाहता हूं कि जैसा नागदा नगर पालिका को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस नाम से जाना जाता है, वो नाम हम सबसे छुपा नहीं है, और चाहे कितने भी कड़ी परिश्रम की बारी हो, चाहे कितने भी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती को साहस स्वीकार करके उसे पूर्ण मुकाम तक पहुंचाने का काम ये मेरे सब कर्मचारी भाई करते हैं। मुझे इन सभी कर्मचारी भाइयों के ऊपर गर्व है। इस 15 दिन के अंदर नागदा नगर को बिल्कुल चमकाने का काम करा है आप लोगों के द्वारा, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। चाहे सुबह 5 बजे हो, चाहे दिन में 2 बजे हो, और चाहे सीएमओ साहब कितनी भी बार इनकी मीटिंग ले, इन्होंने यही कहा है कि नागदा के सम्मान के लिए हम एक कदम आगे बढ़कर इस व्यवस्था को सुधारेंगे, और आज वो दिन आया है। हमें गर्व है नागदा नगर की जनता ये बोलने को आज आतुर है कि नागदा नगर की सफाई व्यवस्था सबसे अच्छी है, मेरा शहर नागदा नंबर 1 बनेगा। हम सब जानते हैं माननीय विधायक जी कितने घंटे काम करते हैं, कोई बता नहीं सकता है। रात को 2 बजे भी फोन लगाओगे तो विधायक जी फोन उठाते और काम करते हैं। प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी रात दिन काम करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, नागदा नगर पालिका का एक एक कर्मचारी और एक एक जनप्रतिनिधि वो भी रात दिन 24 घंटे काम करते हैं, चाहे सफाई की बात हो, चाहे अन्य कोई व्यवस्था हो। एक बार का वाक्य भाई साहब मैं बताना चाहता हूं आपको। हमारे एक कार्यकर्ता का हाउसिंग बोर्ड से फोन आया, भैया आपने भोलपुरे जी को फोन लगाया, मैं भैया जल्दी जाओ हाउसिंग बोर्ड में जाओ, और एक कुत्ता मर गया, उस कुत्ते को तुरंत हमको उठाना है। 10 मिनट बाद फिर फोन आया, भैया जल्दी करो कुत्ता मर गया और सामने वाला बहुत व्याकुल है। मैंने तुरंत फिर फोन किया, मैं भैया 5-10 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है, 10-15 मिनट और हो गए। उसके बाद फिर मैंने अपने फायर ब्रिगेड स्टेशन पर फोन किया, मैं कहा भैया क्या बात है, वो गाड़ी क्यों नहीं बैठी, कुत्ते को उठाना है। वहां से फोन आया, भाई साहब गाड़ी धूल रही है, गाड़ी सुबह सफाई व्यवस्था में जाती है तो उसको धोकर हम भेजने का काम करते हैं। ये एक अच्छी सोच है मेरे कर्मचारी भाइयों की कि जो मर गया है, चाहे वो जानवर भी है, तो उसको साफ सम्मान वहां से उठा के उसको दफनाने का काम यदि कोई करता है,
तो रात को 11 बजे भी करता है तो मेरा कर्मचारी भाई करता है, ये मेरे घर, ये गर्व की बात है। फिर थोड़ी देर बाद फोन आया, भैया उसको मैंने नंबर दे दिए हैं, वो आपसे बात करेंगे। सोचने का विषय, उस व्यक्ति ने मुझे फोन किया, भैया मुझे बहुत प्यारा था, मेरे लिए जान से प्यारा था, दिन में 4 बजे मैं उसके ऊपर हाथ फेरता था और खाना भी मेरे हाथों से उसको खिलाता था। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं यार आदमी बहुत चिंतित है, इनका कुत्ता मर गया, लेकिन एक बहुत यानी कि इनके लिए बहुत दुख की बात है और मुझे भी समय, भैया गाड़ी आ रही, किसी भी हालत में आ रही, मैं भी भेज रहा हूँ। फिर 10 मिनट हो गए, अरे भैया कुत्ता, मैंने कहा भैया गाड़ी आ रही है, वो क्या हुआ था कि वो गाड़ी सुबह सफाई व्यवस्था में कचरा उठाने जाती है तो गाड़ी आ रही है, अभी धो के भेज रहे। अरे भैया कचरे गाड़ी में मेरे कुत्ते को ले जाओगे क्या? मैं यार भैया जो हमारी नगर पालिका की व्यवस्था है, मैं उन कर्मचारी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ जो उस गाड़ी को धो के लेके आ रहे हैं। अरे भैया मेरा तो बहुत अजीब था वो, मैं भैया यार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे बड़े भैया आपके लिए अजीज था तो कृपया उसको दोनों हाथों से उठा के यदि श्रद्धांजलि तक ले जाओगे तो ईश्वर की बड़ी कृपा होगी। मैं बताना यह चाहता हूँ कि जिसने रात दिन उसकी सेवा की, उसको पाला और उसको गोद में उठा उठा के घुमा और मरने के बाद वो भी नगर पालिका की मदद ले रहा है कि इस लाश को उठा के ले जाओ, उस लाश को भी उठाने का कोई काम करता है तो मेरे कर्मचारी भाई करते हैं और सा सम्मान करते हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। पुलिस भी भेजो उसको दफनाना है। हमने देखे ही है सच्चिता, यदि अगर 3-4 दिन पुरानी लाश होती है तो अच्छे अच्छे लोग 25-50 फीट दूर खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी भाई सा सम्मान जाते हैं, उस लाश को भी उठा के लाते हैं, उसको दफनाने का काम करते हैं। ये होती है काम की गुणवत्ता, यानी वो इंसान था जो आज से कुछ समय पहले जिंदा था, लेकिन आज जो बदबू के रूप में बदबू से बास रहा है, लेकिन उस इंसान को इंसान समझ के सा सम्मान उठाने का हमारे काम कर्मचारी भाई करते हैं, इसलिए मुझे बहुत गर्व की बात है और सभी कर्मचारी भाइयों के प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि प्रतियोगिता की इस घड़ी में आप सब जी जान से तन मन से इस नाटा नगर को स्वच्छ बनाने में लगे थे, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और वो दिन सुनहरा आएगा जब आप सबके भी भाग्य खुलेंगे, कहने की बात नहीं है। समय आने पर आपका सेवक वो चमत्कार भी इन वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से करेगा। आप सबके प्रति शुभकामना देता हूँ और आपसे नगर नंबर 1 बनेगा, नाका नगर की जनता के आशीर्वाद से नंबर 1 बनेगा। आप सबके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और मुझे परिवार है, छोटी मोटी बात चलती है, लेकिन उससे ऊपर उठकर आप पूरे अच्छे मन से काम करते हैं, आप सबके प्रति बधाई और शुभकामना। और आज आपका सम्मान करके मैं सम्मानित महसूस हो रहा हूँ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। तौर पर मैं अशोक जी, योगो साहब, रश्मि मैडम और जितने मेन और आपकी जितनी तारीफ करें वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज नागदा में यदि कोई भी व्यक्ति आता है या हम जिस भी मोहल्ले में जाते हैं तो वहां यार क्या नगर पालिका सफाई कर रही है यार, कितनी अच्छी व्यवस्था, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि निश्चित तौर पर हमारा मन जब खुश होता है जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, और आज पूरा नागदा इन पूरी जो ये टीम खड़ी है, मैं कहता हूँ ये टीम नहीं, नगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी अलग अलग वार्डों में अशोक जी और सीओ साहब ने उनको प्रभारी बनाकर जो काम किया, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक आपकी मेहनत ने इस नागदा में 4 चांद लगा दिए और नागदा नंबर 1 बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि आपकी मेहनत और लगनशीलता के कारण बनेगा। और आप जब रिटायर होंगे और जब आप अपने बच्चों को बताएंगे या समाज में बताएंगे कि हमने इतनी मेहनत करी थी कि हमारे नागदा को हमने नंबर 1 बनाया था, मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी शक्ति से अधिक काम किया और इस नागदा का गौरव बढ़ाने में अपना अपूर्व योगदान दिया। मैं आज के अवसर पर अशोक जी ने बहुत सारी बातें बोली, समय आने पर हम सब सहयोगी
इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि आपकी जितनी समस्या है या कोई भी बात है, हम प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए खड़े उतरे। मैं आप सभी के प्रति पुनः धन्यवाद करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में आपको जितनी भी जो आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो, आप सभी के पुनः धन्यवाद, जय हिंद जय भारत लोगों को सलाम करना चाहता हूं। आज की तारीख में इस नागदा शहर में जो आवाज है, आपके प्रति श्रद्धा है, आपके प्रति लोगों की जो सद्भावना है, वो अद्भुत है, अद्भुत, ये शब्द कह रहा हूं मैं। और इसलिए जितनी तारीफ आपकी करूं उतनी कम है। आपकी मेहनत के कारण शायद हमें 4000 हिंदुस्तान के जो शहर है उसमें स्थान मिलेगा। मैं सफाई की जितनी भी टीम लगी, मैं व्यक्तिगत, क्योंकि काफी धूप भी है, लंबे भाषण हो गए, इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूरी टीम को दिल से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपका सहयोग हमें इसी प्रकार से मिलता रहे, नागदा स्वच्छ और सुंदर बने, ये आपके कारण होगा। और इसलिए जब कई बार लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे पोस्ट डालते कि इसमें वाल्मीकि समाज का सहयोग नहीं है क्या, तो मैंने तुरंत उनका जवाब दिया था और मैंने कहा था मुझे गर्व है सफाई कर्मचारियों पे, मुझे गर्व है सीएमओ और उनकी पूरी टीम पर, मुझे गर्व है नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सारे पार्षदों पे, और मुझे गर्व है नागदा शहर की जनता पर जिन्होंने यह सहयोग दिया। और मित्रों, उस दिन आप और हम सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब हिंदुस्तान में हमारे नागदा नगर पालिका के अध्यक्ष और सीएमओ साहब दोनों को पुरस्कार मिलेगा। उस दिन शायद जिंदगी में हम सबके लिए वो सुनहरा दिन होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि हमने तो हमारा कर्म पूरा करा है, अब पुरस्कार हमें मिले, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अंत में एक विनती करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अभी तो हमारा जो सर्वे का काम था वो पूरा हुआ है, लेकिन अब जनता का सर्वे का काम आएगा और इसलिए अब हमें इसे मेंटेन करके रखना है। ये जो सफाई व्यवस्था हुई थी, ये चैलेंजिंग है हम सब के लिए, और विशेष करके जितने मेट हैं, इन मेट भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके पुरुषार्थ के कारण, आपकी मेहनत के कारण ये जो स्थान हमें मिलने वाला है भविष्य में, उसको आप और हम सब लोग मेंटेन करें। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब पुनः एक बार आपके प्रति और आपकी बहन गुप्ता जो इसकी पूरी प्रभारी थी, मैं इन तीनों को, बाकी कर्मचारी तो लगते हुए थे सही, निश्चित रूप से कुशल वगैरह, और विशेष करके मैं आप सबकी तो तारीफ करूंगा, लेकिन कुशल तेरी और तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं भी तुझे कई बार फोन करता हूँ कुशल को, और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये रहती है कि कुशल काम करने के बाद वापस फोन करके बताता है कि भैया ये काम आपने मुझे बताया था और ये काम हो गया है। इसलिए मैं विशेष करके आपकी और तारीफ करूंगा। आप सब लोगों को एक बार और सलाम करता हूँ, बिल्कुल खूब सलाम करता हूँ कि आप सब लोगों ने इतना अच्छा काम करा, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से नाम नहीं काम पूजा जाता है। हमारे कुशल जैसे और श्रमिक कर्मचारी बहुत सारे हैं जो सारे काम करते हैं। अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने बहुत सारी बातें, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने भी और नगर के अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी आपके बारे में बहुत सारी बातें कही। मैं केवल एक लाइन की बात कहना चाहता हूँ कि हम सब राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम हमारा कर्तव्य जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए लंबे समय से हम उस राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं जो इस देश में भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसके कार्यकर्ता होने के नाते ये गर्व हमें अपने आप में प्राप्त है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार सबने मिलकर जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए नागदा अग्नि भूमिका में लगातार, पिछली बार हम नंबर 2 पे थे, इस बार हम नंबर 1 पर आने के लिए जो लगातार प्रयत्नशील हैं, अपनी विधायक जी ने और जो कहा कि ये प्रक्रिया लगातार निरंतर स्थायित्व में बदलना चाहिए। हमारा काम है जनता को बीच में जन जागरण पैदा करना, सफाई करना, सफाई करवाना, पर इसके साथ ही साथ जनता भी हमारे साथ में जुड़े, जनता भी अपने कर्तव्यों को समझे। इसलिए हम हमारे व्यवहार के साथ, हमारा जो आचरण और व्यवहार जो हमको मिला है,
उसके साथ आम जनता को भी हमारे साथ में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम नंबर वन पर होंगे। इस देश में हमारा नाम होगा। पुणे में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, उनकी टीम, सीएमओ और समस्त अधिकारी कर्मचारी और मातृशक्ति को सबको धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से हम होगी। धन्यवाद। इस पिछले पूरे सर्वे में काम में खूब करा, आगे भी फिर सर्वे में रहा 18 तारीख को। पूरी टीम को तो हम सम्मानित कर नहीं सकते, जो हमारे आपके जो मेट हैं उन सबको हम आठों मेटों को हम सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए मैं एक एक करके सबके नाम लेता हूं। आप एक एक करके आए और हमारे अतिथि आपको सम्मानित करेंगे। सबसे पहले जोन नंबर एक प्रेमलाल भोयर, कुशल धौलपुरे। सबसे पहले कुशल धौलपुरे आ जाए। कुशल धौलपुरे, हेलो जी भी वो साथ ही लगता है। पापा बांधकर भाई कुशल धौलपुरे का स्वागत करें। श्री प्रेम जी बोयर, प्रेम बोयर जी के स्वागत के लिए विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब का मदद करता हूँ। विधायक श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब आए। प्रेम सिंह जी, प्रेमलाल जी बोयर, सॉरी पहले पप्पू नाहर आ जाए, पप्पू नाहर फिर पवन भाटी आ जाए। दिलीप शेखावत जी के पश्चात पप्पू नाहर के स्वागत के लिए भाई राजेश ठाकर जी का आमंत्रित करता हूँ। राजेश ठाकर जी आप आए, पप्पू नाहर जी का स्वागत करें। पवन भाटी अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। पवन भाटी जी का स्वागत। पवन भाटी जी आप आए। सूरज भाटी जी, सूरज भाटी जी आप आ जाए। इसके पश्चात सूरज भाटी जी के स्वागत के लिए श्रीमती विमला जी चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी विमला जी आ जाए। सूरज भाटी के हरी बोयत के लिए स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन उषा जी हरी बोयत का स्वागत करेंगी। हरी बोयत आ जाए हमारे स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन उषा जी गुजर। हरी भोयत, हरी जी भोयत आ जाए। सीएम अतुल युवा मोर्चे के अध्यक्ष दिनेश भाटी जी का स्वागत करें। उषा जी हरी भोयत आ जाए। हरी जी आ गया ना करो। सीएम अतुल, अतुल का स्वागत। हरी भोयत का दिनेश भाटी जी, दिनेश भाटी जी सीएम अतुल, दिनेश भाटी का स्वागत है ना। सीएमओ साहब आप आ जाए लालचंद जी खंडारे के लिए। दिनेश भाटी, सीएम अतुल, पूनम चंद जी काका जी महाराज का पहला पगड़ी पहन के रखना भी है सब अपने को जुलूस में, सब पगड़ी पहन के रखना जुलूस में सब। लालचंद जी कंडारे आओ, सीएमओ साहब आ जाओ। सीएमओ साहब और एल्डरमैन श्री पूनम चंद जी गहलोत साहब हरी जी बोयत का स्वागत करें। हरी जी बोयत का स्वागत करें सीएमओ साहब और अशोक पावर जी, बालकिशन जी धौलपुरे, बालकिशन जी धौलपुरे आ जाए। अशोक मावर जी, विजय पोरवाल जी हमारे चेयरमैन, अशोक पोरवाल जी, अशोक मावर जी और विजय पोरवाल जी आ जाए आप। बालकिशन जी, पिंटू कंडलाल है, पिंटू ये जो हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन वाली टीम है उसके प्रभारी है ना। फोटो सेशन करेंगे एक बार सबके साथ, एक फोटो करेंगे। पिंटू कंडलाल है, स्वागत।
के लिए हमारी जो महिला पार्षद है जितनी भी सब आ जाए। पिंटू भंडारे का स्वागत करें। आठ नंबर जोन का प्रभारी सभी प्रभारी पकड़ी इसी प्रकार पहनी रखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप सभी। एक बार तालियों से सबका जोरदार स्वागत करो भाई। ऊपर आ जाइए भाई साहब, सभी प्रभारी ऊपर आ जाओ, बेड पर ऊपर आ जाओ, सारे बेड आ जाए ऊपर, जिनका स्वागत हुआ वो सब सब लोग थोड़ा पीछे कर सकते हैं, सब लोग थोड़ा पीछे कर सकते हैं, हाँ थोड़ा पीछे आ जाओ। भारत माता की। अरे ऊपर से भी आ गया। चलो रैली को प्रारंभ करेंगे। जोन क्रमांक एक के मेट सबसे आगे कुशल, उसके पश्चात प्रेम मोहन जी और जोन क्रमांक एक के कर्मचारी, फिर दो तीन चार पाँच। चलो स्वच्छ बनाए नागदा, स्वच्छ बनाए नागदा, चलो स्वच्छ बनाए नागदा। खैर न होगी मां, ठान लिया तो ठान लिया, अपना शहर है ये, दिल है जिगर है ये, सबको ये दे हम बता। चलो स्वच्छ बनाए नागदा, चलो स्वच्छ बनाए नागदा, स्वच्छ बनाए नागदा, चलो स्वच्छ बनाए नागदा। शहर नागदा को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। चलो पानी पी लिया, आ जाओ सब भैया। चलिए चलाते रहो, चलते रहो, चलो चलो। गली मोहल्ले जा रहा है, सब साफ बनाते चले चलो। चम चम के दा इंडिया, चम 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 के दा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, देश मेरा,
नागदा बनेगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में नंबर वन स्वच्छ नागदा तो स्वच्छ नागदा। अब कचरे की खैर न होगी, मान लिया है ठान लिया। अब कचरे की खैर न होगी, मान लिया है ठान लिया। गलती और न होगी, ठान लिया तो ठान लिया। अपने शहर है ये, दिल है जिगर है ये, सबको ये देश हम बचा। चलो स्वच्छ बनाए नागदा।